लगातार तीसरी बार संसद पहुंचने के लिए रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और अपने समर्थकों के साथ उनका काफिला पटना की सड़कों पर आगे बढ़ रहा है। रामकृपाल जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? विकास, विकास, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र फर्स्ट। लेकिन लालू यादव को उम्मीद है अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग से? अरे ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं है। मोदी सबका प्रतीक है, सभी धर्म सभी जाति का प्रतीक है मोदी। हम एक ही देश में जाति है, एक गरीब जाति, इसी गरीब जाति के लिए मोदी जीते हैं मरते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। दो बार तो आपने सेंधमारी कर दी, तभी जीत हुई, इस बार भी उम्मीद है यादव आपका साथ देंगे? अरे भाई, सब लोग मेरे साथ हैं। मैं जनता का सेवक, मैं महल का राजा नहीं हूँ, महल का राजा नहीं हूँ। मैंने 40 साल में अरबों खरबों नहीं कमाए हैं, मैं जनता की प्यार कमाया है। मैं झोपड़ी का बेटा हूँ, लड़ाई महल और झोपड़ी में है, राजा और रंग में, सेवक में, शासक में है। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में साइबेरियन पक्षी की एंट्री करा दी है, जिसे लेकर चाचा भतीजी आमने सामने है। मीसा भारती को साइबेरियन पक्षी कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, लोग कहता है। 5 साल में 5 दिन नहीं आने वाला, जनता जो जनता वोट किया है उसके दर्द और पीड़ा को नहीं बांटने वाला और 5 साल के बाद सीधे लैंड करने वाला, तो क्या कहता है जनता, जाके पूछिए खुद से, मैं क्यों कहूँगा? देखिए, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, लेकिन आजकल रामकृपाल जी हमारे परिवार पे बहुत ज़्यादा पर्सनल और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात देश की जनता को और बिहार की जनता को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने राजनीति हमारे परिवार, मतलब हमारे दल से शुरू की, हमारे परिवार के सदस्य रहे, करीब 40-45 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा, 10 साल से वो अभी भाजपा में है, लेकिन एक दिन भी रामकृपाल जी ने पटना के किसी कार्यकर्ता को सामने आने नहीं दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। टफ फाइट में फंसी सीट निकालने के लिए बीजेपी भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मोदी ने रोड शो पटना में किया, लेकिन असर पाटलिपुत्र तक पड़ा। लेकिन बीजेपी जानती है कि इससे काम नहीं चलेगा, इसीलिए मोदी डायरेक्ट हिट करने पाटलिपुत्र पहुंच गए। पाटलिपुत्र पर यादव 4 लाख, भूमिहार 3 लाख, ब्राह्मण 1 लाख, कुर्मी 1,70,000, कोयरी 1,70,000 और 1,50,000 मुसलमान वोटर हैं। पाटलिपुत्र में 3 बार लालू एंड फैमिली MY समीकरण के भरोसे मैदान में उतरी, लेकिन एक बार भी ये समीकरण सेट नहीं हो सका। लालू की बेटी दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी पार्टी MY नहीं है, बाप इक्वेशन के भरोसे है। आप लोगों ने एक नया प्रयोग इस बार किया, उसकी बड़ी चर्चा है, MY में कुछ जोड़ने की कोशिश की है, निषाद को जोड़ा, कई जगह कुशवाहा को जोड़ा, इस तरह से जो नया प्रयोग हुआ है, आपको लगता है कि ये काम करेगा इस चुनाव में? देखिए, ये जब मेरे पिताजी 90 में मुख्यमंत्री बने तो सब समाज के सभी वर्गों को उन्होंने जोड़ के रखा, एकजुट करके रखा। बीच में कुछ लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करने पे लोगों को तोड़ के अलग कर दिए, और हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है कि आजकल हम लोगों ने नारा भी दिया है कि MY के माइक के साथ हमारे बाप की भी पार्टी है, तो हम लोग की यही कोशिश रहती है कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके, और जब सब एक साथ होंगे तभी देश का भी विकास होगा। लेकिन मीसा के बाप इक्वेशन पर भी बड़ा संकट दिख रहा है। 2 बार से बीजेपी यादव वोट में सेंधमारी करने में कामयाब रही है और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। यादव का बड़ा धड़ा परिवारवाद के खिलाफ मुखर है। माहौल है जास्ती भाजपा का। हाँ, कहा है जो काम करेगा उसी का हम लोग नाम लेंगे। हम दानापुर से आए हैं। घोड़ा लेकर क्यों? घोड़ा लेकर खुशी में आए हैं। इस बार क्या पाटलिपुत्र में यादव टूटेंगे? हाँ, मोदी के साथ। लालू यादव तो कहते हैं यादव हमारा वोट बैंक। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा वोट बैंक है, जो अच्छा काम करे उसी को होगा ना, ज्यादा तो यहाँ पर मोदी को। पुत्र में आपको लगता है यादव वोट बटेगा? हाँ, बटेगा, ज्यादा से बट जाएगा, ज्यादा मोदी में जाएगा। भाई जी सब किधर है पाटलिपुत्र में? हर्ष राम कृपाल भैया के पास। यादव वोट बटेगा वहाँ पे? हाँ, वोट हम लोग ठीक है। लालू यादव तो कहते हैं यादव वोट बैंक पे हमारी पकड़ है,
नहीं, हम लोग राम कृपाल भैया के ठीक मानते हैं। बट रहा है वो? हाँ हाँ बट रहा है। इस बार की जनता को नेता नहीं बेटा चाहिए और बेटा इस बार 400 पार और राम कृपाल जी पाटलिपुत्रा के सांसद थे हैं और रहेंगे। रोहिणी मीसा भारती का जमानत जब्त होगा, जमानत जब्त। जीतने की खुशी अभी से ही है, पूरे जीत रहे हैं, पूरे जीत रहे हैं। जीत होगी, यह जीत एक तरफा होगी। लालू जी के परिवार का जमानत जब्त हो जाएगा और मीसा भारती जीवन